हेलो जी कैसे हो सारे दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प ये हमारा लेक्चर नंबर थर्टी है यहाँ पे हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनको यूज़ करने से हमारे कोड को हम और ऑप्टिमल कर देंगे और बेटर कर देंगे और हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी और हमारा कोड फास्ट रन करेगा ठीक है तो इन शॉर्ट कुछ ऐसे कीवर्ड्स आएंगे कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे इनको समझने के बाद भैया हमारा बहुत फ़ायदा होने वाला है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो में इसका नाम है मैक्रो मैक्रो की हम बात करने वाले हैं भैया क्या होता है मैक्रो समझाओ थोड़ा सा मैं चलो ठीक है एक चीज़ मैं आपको छोटी समझाता हूँ यार आ, पहली चीज़ आपको समझनी यहाँ पे हैश टैग डिफाइन के बारे में हम बात करने वाले हैं अब भैया ये हैश टैग डिफाइन क्या चीज़ है मैंने बोला कि यार ये एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आप एक मैक्रो डिफाइन करोगे आप एक मैक्रो जब क्रिएट करना चाहते हो ना यार कि एक मैक्रो बनाना है तो आप इस चीज़ के द्वारा वो करने वाले हो भैया मैक्रो क्या होता है ये तो बता दो मैक्रो बताया नहीं कैसे डिफाइन करेंगे ये बता रहे हो मैंने बोला एग्जाम्पल दूंगा सब समझ में आ जाएगा अभी टेंशन मत लो हैश टैग डिफाइन ये तो कुछ मिलता जुलता लग रहा है भैया हैश टैग इंक्लूड की तरह तो जैसे हम यहाँ कोड में लिखते हैं ना यार हैश टैग इंक्लूड आयो स्ट्रीम लिख देते हैं ये तो पता होगा तो हम सबको क्यों लिखते हैं बताया था हमने तो ये हम क्यों लिखते हैं याद है कुछ भूल गए अरे अरे इतना गंदा तो अगर आपको ये याद है तो तो भैया आप सही ट्रैक पे अगर आप भूल गए तो गलत जा रहे हो तो हम क्या बोलते थे कि यार ये आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ठीक है, प्री -प्रोसेसर इसका क्या मतलब है कर कर दी जाएगी और जो भी आपने उसके कोड को यूज किया हुआ है वो वहां से रेफर कर लिया जाएगा और आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है एग्जांपल देना भैया मैंने बोला मैंने आउट का यूज किया हुआ अपने कोड में कहीं पे तो आउट की जो डेफिनेशन है सी आउट का जो कोड लिखा है कि सी आउट कैसे काम करता है वो कहां लिखा हुआ है आईओ स्ट्रीम के अंदर लिखा है तो जो आईओ स्ट्रीम वाली फाइल है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा तो ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि आईओ स्ट्रीम वाली फाइल को इंक्लूड करके आपके सोर्स कोड के अंदर ले आता होगा और वहां पर अब आप सी आउट यूज करेंगे तो भैया वो चीज आपके लिए फिजिबल है क्योंकि आप आईओ स्ट्रीम वाला कोड उठा के अपने सोर्स कोड में कॉपी कर चुके हैं ठीक है तो ये कुछ एक लेमन टर्म्स में आपके लिए प्यारी सी रफ से हमने क्लैरिटी आपको पकड़ाई है उसी प्रकार एक चीज होती हैश टैग डिफाइन मैं इसको हैश टैग बोलता हूँ ठीक है इसका बोलता हूँ हैश डिफाइन ठीक है इसके द्वारा आप एक मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं आप एक मैक्रो को डिफाइन कर लो क्रिएट कर लो जो आपका मन करे भैया मैक्रो क्या होता है कहानी तो वहीं फिर वहीं आ गई मैंने बोला रुको यार एग्जाम्पल समझाता हूँ बहुत प्यार एग्जाम्पल है कहीं भी जाओगे किसी किताब के धाम में पकड़ोगे ऑनलाइन जाओगे ये एग्जाम्पल आपको मिलने वाला है ठीक है एग्जाम्पल क्या कहता है कि यार मैंने ना एक कोड लिखा हुआ है मैंने कोड लिखा इसमें पाई का बहुत यूज़ किया मैंने पाई मतलब थ्री पॉइंट वन फोर का मतलब मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं भाई उसमें एरिया निकालता हूँ सर्कल का तो मैं वही पाई आर स्क्वायर है ना इस प्रकार का फॉर्मुला होता है मेरा तो मैं क्या करता हूँ यार इस प्रकार करता हूँ थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई आर ऐसा कुछ यूज़ कर रखा है मैंने भाई मैं कर्व सर्विस एरिया निकालता हूँ कौन का ये क्लास नाइन चैप्टर थर्टीन पाई आर एल ठीक है तो यहाँ भी मुझे पता है यार थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एल इस प्रकार की चीज़ कुछ आएगी तो मैंने थ्री पॉइंट वन फोर का यूज़ अपने कोड में बहुत जगह कर रखा है मैंने थ्री पॉइंट वन फोर लिखा हुआ है बहुत जगह मान लो मैंने अपने कोड में दस जगह थ्री पॉइंट वन फोर का यूज़ किया हुआ है ये बात समझ में आई ये बात समझ में आई लेट से अज्यूम कर लेते हैं अज्यूम कर लेते हैं कि कल को एक ऐसी रिसर्च हो जाए और वो रिसर्च मुझे ये कह दे कि यार वो गलती से थ्री पॉइंट वन फोर आ गया था यार वो नाम मैं थ्री पॉइंट टू नाइन कर रहा है सब so, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार बात करते हैं कोडिंग एंजा के बारे में इस फ्री डी से कोर्स को आप तक पहुंचाने में कंटेंट क्वालिटी कंटेंट एक्सपर्टीज से लेकर वीडियो स्पॉन्सरशिप तक एक मेजर चंग जो है कोडिंग इंजाज ने सपोर्ट किया है ताकि आप तक कोर्स पहुंच पाए थैंक्स टू दैम कोडिंग निजाज क्या है इट इज वन द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेस दे सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड है पेड कोर्स के अंदर आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लो यार मशीन लर्निंग कर लू एंड्रॉइड कर लूँ डेवलपमेंट कर डिजाइन कर लूँ कोर्सक्ट ओ एस जी वगैरह पढ़ लूँ मैं यार डी कर लूँ जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर तो आप यहाँ से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे सबसे प्यारी चीज जो लोग तारीफ़ करते हैं कोडिंग निजाज के लिए कि यहाँ पर वन ऑन वन डाउट रिजोलिंग सपोर्ट अवेलेबल है अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक से दो घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा कोर्सेस जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड में बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियाँ फोड़ चुके हैं तो उसके आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है लैंग्वेज की अगर बात करें हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियो में मिल जाएंगी तो अगर आपको कोई भी पेड कोड खरीदना है तो अब आप समझदार हैं आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट जो कि मैक्सम है वो आपको मिल जाएगा धन्यवाद मान लो रज्यूम करने में कौन से पैसे लग रहे हैं तो भैया अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई मुझे दस जगह जाना पड़ेगा कोड के अंदर और उन दस जगहों पर जाके मैं थ्री को चेंज करूंगा थ्री से क्या ये बढ़िया प्रैक्टिस है क्या ये फिजीपल है मान लो मैंने सौ हजार किया होता तो सौ तक जाता मान लो मैंने हजार का लिखा, लिखा होता विद मतलब आपने कोड बस आपका तीन साल पुराना है तीन साल के अंदर आपने उसको दस हजार बार आपने थ्री पॉइंट वन फोर लिख दिया जा जाके तो क्या मैं दस हजार से आप जाके इसको चेंज करूँगा क्या नहीं बिल्कुल सही भैया सिंपल तो है क्यों मेहनत करवा रहे हो बेवकूफ़ बना रहे हो बच्चों आप ऐसा कुछ कर लो ना आप डबल लिख लो पाई और उसमें स्टोर कर लो और इस वेरिएबल का यूज कर लो हर जगह अब कहीं आपको चेंज करना पड़े तो थ्री पॉइंट काट के थ्री पॉइंट टू नाइन लिख देना मैंने बोला भाई बहुत प्यारा अगर आपने ये सोल्यूशन निकाला है तो वाह क्या बात अच्छा सोल्यूशन है कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ठीक है अब आते हैं कि यार अगर मैं ये वाली चीज़ लिख देता हूं अगर मैं लिख देता हूं डबल पाई इज इक्वल टू थ्री पॉइंट वन फोर इसमें क्या दिक्कत है यहाँ पे क्या क्या नुकसान हो सकता है मेरा इस चीज़ को समझते हैं एक बार यहाँ पे क्या क्या नुकसान मेरा हो सकता है बड़ी चीज़ मुझे क्या समझ में आ रही है आ, मैंने क्या बोला कि यार आपने ना स्टोरेज ले ली है इस वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए स्टोरेज ले लिया आपने पाई के लिए ठीक है जब आपने पाई थ्री पॉइंट वन फोर लिखा तो ऐसा कुछ हुआ होगा ना मेमोरी ब्लॉक मिला होगा जिसका नाम पाई है उसके अंदर थ्री पॉइंट वन फोर पड़ा होगा ऐसा कुछ तो स्टोरेज यूज कर लिया आपने दोस्त परफॉर्मेंस पे पर हिट पड़ेगा यहां से परफॉर्मेंस इशू थोड़ा सा होगा बहुत ही मिनिमल बहुत ही मिनिमल होगा बट होगा ग्रेट दिन जीरो तो होगा परफॉर्मेंस इशू तो डेफिनेटली है ही है मिनिमल है बट है मिनिमल है बहुत कम है बट है क्या मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूं क्या मैं स्टोरेज की जगह कुछ ऐसा कर दूसरी मेमोरी मुझे लेनी ही ना पड़े उसमें भी कोई रेफर ही ना करना पड़े कुछ ऐसे सोच सकते हैं देखते हैं ठीक है तो ये चीज़ मुझे समझ में आती है मैंने आपको बोला कि यार मान लो कोई उस वैल्यू को चेंज करते जाके फिर क्या कर लोगे मान लो किसी ने उस वैल्यू को कुछ गलती से जाके चेंज कर दिया गलती से चेंज कर दिया फिर क्या कर लोगे तब भी फंस जाओगे तब भी फंस जाओगे समझ चीज़ में आई ये चीज हमें तो हम क्या कर सकते हैं मैंने आपको क्या बोला यार एक चीज होती हैश डिफाइन जिससे आप मैक्रो क्रिएट करोगे तो आपने बोला हैश डिफाइन ऐसे एक दिया पाई और एक दिया थ्री पॉइंट वन फोर सेमी कॉलन की नीड नहीं है दोस्त नहीं है और इस प्रकार आपने एक मैक्रो क्रिएट कर लिया यहां पे आपने क्या किया एक पाई नामक मैक्रो क्रिएट कर लिया है पाई नामक मैक्रो क्रिएट कर लिया है अब आते हैं मैक्रो क्या होता है तो मैक्रो क्या मतलब है कि यार अ पीस ऑफ प्रोग्राम अ पीस ऑफ कोड इन अ प्रोग्राम दैट इज रिप्लेस्ड बाय वैल्यू ऑफ मैक्रो क्या समझ में आता है मैं समझाते हैं आपको मैंने आपको क्या बोला कि यार मान लो ये आपका कोड है तो मैंने आपको क्या बोला मैंने बोला कि यार मान लो हमने पर कोड लिखा हुआ है एरिया करके ऐसे एरिया इज इक्वल टू एक मल्टीप्लाई आर ऐसा कुछ आर की वैल्यू मैंने यहाँ पर दे रखी है इंटर टू फाइव फाइव बहुत यूज करता हूँ ऐसे करके मैंने एरिया निकाल लिया और मैंने प्रिंट कर दिया यार एरिया इज रन कर दिया ये मेरा यहाँ पे कुछ कुछ आंसर आ गया ये बात समझ में आ रही है ये मेरा कुछ कुछ यहाँ पे आंसर आ गया मैंने इसको रन कर दिया और ये मेरा कुछ कुछ यहाँ पे आंसर आ गया ठीक है अब मैं आपने पहला सोल्यूशन क्या बोला कि भैया पहला सोलूशन ये है कि भाई मैंने ना कहीं पर डबल पाईल टू तो थ्री पॉइंट वन फोर स्टोर कर लिया ये चीज़ हमने डिस्कस करी थी हमने यहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया पाई के साथ बहुत बढ़िया मैंने इसको बोला रन करके कर दिखाओ मैंने भाई को बोला कि रन करके दिखाओ दन करा आंसर फिर दोबारा निकल के आगे ठीक है बढ़िया बढ़िया चल रहा है मैंने बोला इसकी जगह इसको हटा दो और यहाँ पर ना एक मैक्रो क्रिएट कर लो माइक्रो क्रिएट करना है एज टेक डिफाइन और यहाँ पर आपने क्या लिखा पाई जो भी आपको मन करें थ्री पॉइंट वन फोर इस प्रकार आपने मैक्रो क्रिएट कर लिया है अब हमें यहाँ पर पाई लिखने की नीडी नहीं है हमने इसको ऐसे लिख दिया ठीक है इस प्रकार मैंने मैक्रो को यूज कर लिया अब यहाँ पे होगा क्या कोड वाइज है ना लॉजिक वाइज समझते हैं होगा क्या जब मैं ऐसे क्रिएट कर लेता हूँ मैक्रो मैक्रो क्या होता है हम पे समझ चुके हैं है ना ये चीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली कि मैक्रो होता क्या है अः इसको समझते हैं एक बार मतलब वो चीज आपको समझाने वाला हूं मैक्रो क्या चीज है? तो है कि हमने यहाँ पाई तो लिख दिया बट एट भाई आपका ये कोड कंपाइल होने से पहले ये कोड कंपाइल होने से पहले जहाँ जहाँ पाई लिखा होगा जहाँ जगह ऐसे पाई लिखा होगा वो वैल्यू अपने आप रिप्लेस हो जाएगी 3.14 के साथ मतलब कि ये वाली वैल्यू के साथ आपने थ्री पॉइंट वन फाइव लिखेंगे तो वो वन पॉइंट वन फाइव से रिप्लेस कर जाएंगे ठीक है तो इसका मतलब अगर मान लेते हैं हमने कहीं भी पाई लिखा हुआ है तो वो उस कोड के अंदर उस कोड के अंदर जहाँ भी पाई लिखा है कंपाइल होने से पहले वो पाई हट जाएगा और उसकी जगह ये जो वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है ये वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी और फिर वो कोड कंपाइल हो जाएगा समझ में आई ये चीज़ तो इससे आप दो चीज़ों से बच गए आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज लेने की नीड भी नहीं पड़ी दिस इज नॉट अ वेरिएबल आपको मेमोरी एलोकेट करने की नीड नहीं है आप रिप्लेस कर रहे हो कंपाइल टाइम से पहले कंपाइलेशन से पहले ठीक है तो मेमोरी लेने की नीड नहीं पड़ी और भैया ये चेंज भी नहीं होने वाला ठीक है ऐसा नहीं है आप यहाँ पर जाके लिख दोगे बाई इज इक्वल टू बाई प्लस वन अरे चल जा यार क्यों ना करे करता इतने? <laughs> है इतने ठीक है रन करके देख लेते हैं इसको एक बार समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ है ना देखो क्या कहता है ये एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइबल वैल्यू ठीक है तो ऐसा नहीं है आप इसको यहाँ पे प्लस करके अपडेट कर लोगे आप चेंज भी नहीं कर सकते और ना आप स्टोरे जाए तो स्टोरेज तो भी एक्सेस नहीं मतलब फालतू की स्टोरेज भी आप ले नहीं रहे हो बट अगर आप ये चीज़ करते तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता था पी आई इजिकल टू पी आई प्लस वन हो सकता था बिल्कुल देखो रन करेंगे बढ़िया चलेगा है ना तो ये चीज़ पॉसिबल थी तो अब आपने जब मैक्रो को यूज़ कर लिया आपने पाई थ्री पॉइंट वन फोर लिख दिया तो भाई ये कोई चेंज भी नहीं करने वाला कोई पर्सनल वार्सन जो भी अपडेट नहीं कर सकते आप जब तक तो आप यहाँ पे इस वैल्यू को चेंज नहीं करते सेकंड चीज़ आपने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज भी नहीं ली अगर ये लाइन नंबर नाइन की बात करूँ तो आपने एक स्टोरेज ली है भाई आठ बाइट की बट यहाँ पर लाइन नंबर फोर की बात करूँ तो आपने स्टोरेज ली ही नहीं आप बस क्या करो कम पाई होने से पहले यहाँ पर पाई लिखा हुआ था उस पाई को आपने रिप्लेस करा दिया इस वैल्यू से भैया यही मैक्रो है यही मैक्रो है ज़्यादा कोई लंबी कहानी नहीं है इतना ही होता है मैक्रो हमने तो बहुत सारी चीजें पढ़ी है समझाएंगे रुक जाओ पर कहानी यही है लॉजिक यही है दोबारा पढ़ते हैं मैक्रो इज अ पीस ऑफ कोड इन अ प्रोग्राम दैट इज रिप्लेस्ड बाय अ वैल्यू ऑफ मैक्रो ठीक है तो जैसे मैंने यहाँ पाई लिख दिया ये रिप्लेस हो गया इसकी वैल्यू से समझ में आई तो इस प्रकार हमने एक मैक्रो क्रिएट कर लिया फायदा क्या हुआ भाई मेरा कोड मेंटेन करना आसान हो गया फायदा क्या हुआ कि वैल्यू अपडेट कोई करने नहीं वाला फायदा क्या हुआ मैंने कोई एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं लिया बहुत सारे फायदे हो गए है ना तो ये आपका बहुत सारा फायदा हो गया होमवर्क भैया होमवर्क होमवर्क बताओ मैंने बोला होमवर्क होमवर्क में कुछ मत करना बस जी एफ जी के यू वाले आर्टिकल में जाना तो जी एफ जी के यू वाले आर्टिकल में जाना मैक्रोनिक्स टाइप्स यहाँ पे पढ़ना एक बार छोटा सा ही है ज़्यादा बड़ा आर्टिकल नहीं है यहाँ पे कुछ कुछ टाइप्स आपको दिए हुए हैं वो सारे टाइप्स आपको पढ़ने हैं ठीक है उसको पढ़ के एक बार समझने की कोशिश करना और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम व्यतीत करना इस वाले इस वाले एग्जाम्पल के ऊपर ठीक है खुद समझना समझना इस चीज को तो जी अब इस आर्टिकल को आपको खुद पढ़ना है जाकर व्यतीत करना है एटलीस्ट दस मिनट आगे की वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हो गया अब मैं जाता हूं अपने अगले टॉपिक पर जो कि ग्लोबल वेरिएबल्स ग्लोबल वेरिएबल इसकी बातें कब शुरू होती है हमारे दिमाग में ग्लोबल और टॉपिक मैं आपको कह रहा हूँ कि यार मेरे पास एक वेरिएबल है मेरे पास एक वेरिएबल है और भैया मैं इसको शेयर करना चाहता हूँ बिटवीन फंक्शंस मैं इस वेरिएबल को शेयर करना चाहता हूं बिटवीन फंक्शंस कैसे लेट मी राइट एन एग्जांपल तो यहां पे मैंने आपको क्या बोला कि यार मेरे पास ना कुछ फंक्शंस हैं मैंने यहां पे फंक्शन बना दिया मान लो मैंने यहां आप फंक्शन बना दिया वर्ड ए पहला फंक्शन और ये आपने बना दिया भैया दूसरा फंक्शन वर्ड भी दूसरा फंक्शन और एक मेन फंक्शन आपका बना ही पड़ा है मैंने बोला कि भाई मैं इन तीनों फंक्शन के बीच में या फिर छोड़ो ज़्यादा मेहनत नहीं करते मैंने बोला मेन फंक्शन के बीच में और ए फंक्शन के बीच में एक वेरिएबल शेयर करना चाहता हूँ तो मैंने मान लो एक फंक्शन एक वेरिएबल बनाया इंट आई इज इक्वल टू फाइव फाइव बहुत यूज़ करता हूँ मैं अब मैंने क्या बोला कि यार मेन में तो ये बना ही पड़ा है ठीक है अब मैं इसको ए में अगर देना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा ए की फंक्शन कॉल मारी और इसमें फाइव पास कर मतलब आई पास कर दिया यहाँ पर इंट आई आ गया ठीक है और यहाँ मैंने इसको प्रिंट कर लिया भैया गड़बड़ कर रहे हो आप क्या भैया बताओ ये जो आपने आई यहाँ पे पास किया है ना बट यहाँ पे आपने इसकी कॉपी बना ली है ओके तो आपने बेसिकली शेयर नहीं किया है एक मेमोरी स्पेस को एक पर्टिकुलर मेमोरी को आपने एक कॉपी बना ली है ठीक है तो अगर मुझे शेयर करना होता तो मैं क्या बोलता मैं इसको रेफरेंस वेरिएबल बना लेता अब तो ठीक है अब तो सेम मेमोरी डिफरेंट नेम है लास्ट वीडियो में जैसे देखा था तो एक रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करके आप इसको शेयर कर सकते हैं मान लो कि मुझे इसको बी कॉल मार दूँ यहाँ से अगर मैं आई के लिए तो यहाँ भी अगर मुझे इसको शेयर करना होता है फिर बोल दूंगा यार एंड एंड आई मैं इसको प्रिंट कर लूंगा यार ठीक है तो अगर मुझे कुछ शेयर करना है यार तो मुझे समझ में आता है कि यार मैं रेफरेंस वेरिएबल का यूज करके उसको शेयर तो कर सकता हूँ पहली चीज मुझे ये समझ में आती है क्या मेरे पास कोई और तरीका है मैंने बोला जी हाँ एक और तरीका है आपका ग्लोबल वेरिएबल एक और तरीका है जिसके द्वारा आप शेयर कर सकते हैं वेरिएबल्स को अच्छा है बुरा है बाद में बात करेंगे बट हाँ कर सकते हो आप आप कर सकते हो जब मैं शेयर करना बोलता हूं जब बोलता हूं शेयर तो उसका मतलब क्या होता है कि आपका मेमोरी ब्लॉक तो एक ही होना चाहिए मतलब आई तो एक ही बार क्रिएट हुआ पड़ा ऐसे बट इसको बहुत सारे फंक्शन एक्सेस कर पा रहे हैं ये नहीं आप अलग नया क्रिएट कर लो फिर इसको एक्सेस करो नहीं मेमोरी ब्लॉक सिंगल रहेगा भाई साहब ये सिंगल रहेगा एक ही बार बनेगा और इसको बाकी सब एक्सेस कर पाएंगे तो मैंने क्या बोला आपके सामने एक चीज है ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल समझने पहले एक बार ग्लोबल पे पहुंचने से पहले हम पहले लोकल वेरिएबल समझ लें जी मैं समझा चुका आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ बस जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना यार इंट मेन के अंदर इंट आई क्रिएट कर दिया ये वाला आई क्रिएट जो मैंने करा तो क्या है ये जो इंट आई है ये लोकल वेरिएबल है इस मेन फंक्शन के लिए समझ में आई अगर मान लो मैं यहाँ पे एक एक और करेक्टर कर बना दूँ करेक्टर सी एच इजिकल्स टू ए तो भैया जो सी एच आपने बना रखा है ये लोकल वेरिएबल है इस ए फंक्शन के लिए तो जैसे ही आप इस ब्लॉक से बाहर निकलेंगे तो वहाँ उस इस ब्लॉक से बाहर निकलने से पहले ही इस सी एच की मृत्यु हो जाएगी ये फ्री हो जाएगा समझ में आई ये बात उसी प्रकार जैसे आपका मेन फंक्शन खत्म हो जाएगा तो आपके इंट आई की मृत्यु हो जाएगी खत्म हो जाएगा समझ में आई ये बात बहुत बढ़िया तो लोकल वेरिएबल ये चीज होती है जिसकी लाइफ स्पैन एक ब्लॉक के बीच में होती है कि हाँ यार यहाँ से यहाँ तक ही चलना है या फिर मान लो मैं यहाँ पर एक ब्लॉक बना दूँ और यहाँ पर लिख दूँ कि यार इंट एक्स इजिक्वल्स टू टू और सी आउट एक्स इस प्रकार का कुछ मान लेते हैं ऐसा कर लेते हैं आई लिख देता चलो इसको मैं ठीक है और यहाँ मैं इसको ऐसे कमेंट कर दूँ चला के देखते हैं क्या आएगा चला के देखते हैं एक बार क्या आएगा ये सेमी कॉलर मांग रहा है चला के देखा न, क्या दिक्कत है इसको एक बार कमेंट कर दो इतना भी बाद देखेंगे इसको टू आ गया तो इन शॉर्ट क्या हुआ है कि यार ये आई जो फाइव आपने बनाया था ये इस पूरे ब्लॉक में एग्जिस्ट करेगा ठीक है बट आपने यहाँ पे एक्सप्लेटली एक ब्लॉक क्रिएट कर दिया उसके एक नया आई बना दिया तो भैया इस ब्लॉक के अंदर आई जो आप जब भी आप आई को एक्सेस करेंगे तो ये वाला है आई एक्सेस होने वाला है इसके बाहर अगर मैं यहाँ पर एक्सेस करने का ट्राई करूँ ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के अंदर यार तो यहाँ पे आपको फाइव प्रिंट हो जाएगा टू के बाद फाइव आ जाएगा ठीक है तो ये आपको दिख रहा है चीज़ें चल रही हैं स्कोपिंग का आपको पता है यार बेसिकली इस ब्लॉक के अंदर इस आई की जिंदगी है और इस ब्लॉक के अंदर ये लाइन नंबर एटीन वाले आई की जिंदगी है समझ में आई ये बात हमें बहुत बढ़िया उसी प्रकार अगर मैं चाहूँ कोई ऐसा वेरिएबल बना दूँ जिसकी जिंदगी पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी यूज कर लो क्या होगा वो हो? मैंने बोला कि यार इंट एक का नाम मैंने क्या रख दिया इंट स्कोर इज इक्वल्स टू यार से आगे बढ़ते में ठीक है तो भैया इस स्कोर को मैं कहीं भी यूज कर सकता हूं इसको मैं यहाँ पे लिख लू मान लो मैंने लिखा यहाँ स्कोर यहाँ लिख ला लिख दिया इन ए ठीक है मैंने इसको इसमें यूज कर लिया मैंने बी में यूज करना है मैंने बी में यूज कर लिया मैंने मेन में, में यूज करना है ओ सॉरी 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 मैंने मेन में यूज करना है तो भैया मैंने मेन में यूज कर लिया अब मैंने इसको चला के देख लिया एक बार तो मुझे क्या दिख रहा है कि भाई ये मेन के अंदर चल गया अच्छा फंक्शन कॉल नहीं मारी ए की फंक्शन कॉल मार दी और उसके बाद बी की फंक्शन कॉल भी मार देते हैं एक बार ठीक है आप चला देते हैं तो देखो फिफ्टीन इन मेन भी है फिफ्टीन इन ए भी है फिफ्टीन इन बी भी है तो भैया स्कोर जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये सारे के सारे फंक्शंस जो है एक्सेस कर पा रहे हैं ग्लोबल वेरिएबल क्या मतलब हुआ जिसका स्कोप ग्लोबल हो गया भैया इसमें प्रोग्राम के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे उस ग्लोबल वेरिएबल को उस स्कोर को एक्सेस कर सकते हैं अलाउड है भैया ठीक है तो ये वाली गेम हमने समझ लिया है बहुत बढ़िया ठीक है इसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं स्कोपिंग की गेम है सारी की सारी बट भैया मुझे यूज करना भी है मैं यूज करूँ क्या ग्लोबल वेरिएबल मैंने बोला कभी मत करियो भाई <laughs> मत करियो गंदी चीज है ये भैया सिखाया क्यों फिर अब कॉन्सेप्ट तो सारे बताने ना फिर तुम बोलोगे बोलोग पढ़ाया नहीं था बट ये यूज नहीं करना है क्यों ये भैया बैड प्रैक्टिस में आ जाएगा आपका क्यों भैया चलो तो इसका नुकसान ये है कि यार इसको कोई भी चेंज कर सकता है इसको कोई भी चेंज कर सकता है किसी भी फंक्शन ने इसको चेंज कर दिया किसी भी फंक्शन ने इसको चेंज कर दिया और बाकी फंक्शन के लिए वैल्यू चेंज हो जाएगी मान लेते हैं है, स्कोर को मैंने यहां पर चेंज कर दिया कि यार स्कोर प्लस प्लस और जब मैंने इसको रन करके दिखाया तो मुझे क्या दिखा कि यार ए में फिफ्टीन था और ए ने इसको प्लस प्लस कर दिया अब जब बी की बारी हो तो वो सिक्सटीन हो गया अरे यार बी का तो फिफ्टीन प्रिंट करना था समझ रहे हो तो कोई भी आदमी सॉरी कोई भी फंक्शन इस पर्टिकुलर ग्लोबल वेरिएबल को अपडेट कर सकता है चेंज कर सकता है और वो चेंज हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो भैया ये थोड़ा हमें नहीं पता बड़ी बेकार सी चीज़ है और इसको हमें नहीं पकड़ना है तो भैया क्या यूज़ करें तो जब भी वेरिएबल शेयरिंग की बात आए ना दोस्त आपको बोला जाए कि ये वेरिएबल है इसको मैं शेयर करना है सिंपल सी चीज़ है अपना रेफरेंस वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो अपना रेफरेंस वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो समझ में आ गई बात इतनी सी गेम थी ज्यादा कोई खिचड़ी नहीं है बहुत सिंपल सा है रेफरेंस वेरिएबल पर अपना आ, बटन दबाएं और रेफरेंस वेरिएबल को भारी भावुम से जितवाएं ठीक है आगे चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर जिसका नाम है इनलाइन फंक्शंस इसका नाम है इनलाइन फंक्शंस समझ में आ गई ये चीज हमें बहुत बढ़िया समझाई तो है नहीं समझ कहाँ से आ जाएगी ठीक है शुरू करते हैं क्या होता है भैया इनलाइन फंक्शन समझते हैं इस चीज़ को मैं आपको एक लाइन दे देता हूँ उससे आपको समझ में आएगा कि करता क्या है ये और कैसे कैसे करता है वो समझते हैं तो हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हमने यहाँ लिखा हुआ है कि इनलाइन फंक्शंस आर यूज टू आर यूज टू रिड्यूस द फंक्शन कॉल्स ओवरहेड इसका क्या मतलब है भैया इसका मतलब यह है कि कहीं पर हमें फंक्शन कॉल हम बार बार मार रहे हैं और हमारे पास एक तरीका है उस फंक्शन कॉल्स को बचाने का तो उस तरीके को हम इनलाइन फंक्शन कह रहे हैं किस प्रकार कह रहे हैं वो समझ लेते हैं मतलब वहाँ पर फंक्शन कॉल जब मैं मारता हूँ है ना आपके स्टैक पर एक और नया फंक्शन चढ़ जाता है पहले मेन फंक्शन था और आपने इस फंक्शन कॉल किया वो स्टैक के ऊपर आ चुका है तो भैया कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस हट जा रही है मिनिमल है बढ़ जा रही है भाई आपने वो सारे के सारे समझते हैं मैं समझाता हूँ अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा अभी सो लेट से लेट से मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया वॉर्ड फंक्शन इसके अंदर आपने डाल दी दो वैल्यूज इंट ए इंट बी बढ़िया समझ में आई ये बात मैंने कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे बोला कि यार ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस सी आउट ए बी ये बात समझ में आई मैं ठीक है तो एक बार ये चीज समझते हैं आ, मैंने यहाँ पे क्या बोला एफ यू एन सी ए कॉमा बी और यहाँ मैंने इंट ए इज इक्वल टू वन बी इज टू टू फाइव यूज देखा था इस बार ठीक है तो मैंने इस प्रकार ये फंक्शन कॉल कर दी और जब मैं इस फंक्शन कॉल को करता हूं तो मैं आपको समझाता हूँ फंक्शन कॉल जब हमने फंक्शन वाला लेक्चर पढ़ा था क्या था हमने बोला एक स्टैक स्पेस होता है उस आपका उसमें स्टार्टिंग में आपका मेन फंक्शन पड़ा होता है तो इस मेन फंक्शन के अंदर आपका ये ए बना हुआ है ए की मेमोरी है और ये बी बना हुआ ये B है ये बी की मेमोरी है इसमें टू पड़ा है और इसमें वन पड़ा है तो जब आपका ये फंक्शन ये वाले फंक्शन को आप कॉल करते हैं लाइन नंबर सिक्सटीन पे तो यहाँ पे आपकी एक एंट्री आ जाएगी इस फंक्शन के लिए जिसके अंदर आपने फिर दोबारा एक नया ए बना लिया और एक नया बी बना लिया बहुत बढ़िया तो यहाँ पे आपने ये नई मेमोरी एलोकेट करवाई है भाई यहाँ पर मेमरी यूजेज हुआ है तो जब एक नई फंक्शन कॉल मारते हैं वहाँ पे आपका थोड़ा सा टाइम गया कॉल करके वापस आने में और साथ में आपने, आपने यहाँ पे मेमोरी भी लगाई है तो भैया परफॉर्मेंस हिट डेफिनेटली हुई है परफॉर्मेंस हिट डेफिनेटली हुई है मिनिमल है बट है परफॉर्मेंस हिट पड़ी है है ना क्या मैं इसको किस तरीके से बचा सकता हूँ क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है जहाँ से मैं इस हिट को इस मेमोरी यूजेज को इस टाइम uh, यूजेज को बचा पाऊँ कोई तरीका है क्या मेरे पास एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एक बार ठीक है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं लेट्स से कि मेरे पास कुछ वैल्यूज है ए इज इक्वल टू वन मेरे पास है बी इक्वल मेरे पास है अब मैंने क्या बोला कि इफ ए ग्रेटर देन बी तो भैया एक आंसर बना लेते हैं यहाँ पे इंट आंसर इज इक्वल टू जीरो ऐसा कुछ कुछ रख लेते हैं शुरू में और आंसर में मैंने डाल दिया एल्स आंसर में आ गया बी इस प्रकार का कुछ कुछ अरे पर इसको तो मैं आसान वे में लिख सकता हूँ ना भैया इसको तो मैं टर्शरी ऑपरेटर का यूज करके आसान वे में लिख सकता हूं अब ये टर्शरी ऑपरेटर क्या चीज है चलो समझते हैं जब मैं इस प्रकार की कोई चीज लिखता हूँ कि यार इफ ये कंडीशन है अगर ट्रू होती है तो ये कर दो एल्स ये कर दो तो इसको मैं सिंगल लाइन में लिख सकता हूँ यार इसको मैं सिंगल लाइन में लिख सकता हूँ कैसे समझते हैं इसको मैं सिंगल लाइन में लिख सकता हूँ कैसे हमने बोला टर्शरी ऑपरेटर है वो किस प्रकार लिखा जाता है इस प्रकार की ये आपकी कंडीशन है ये सिंटैक्स है यहाँ पे आपको जो ट्रू होने के बाद आन, आंसर आना चाहिए वो लिख दो और यहाँ पे आपको जो फॉल्स होने के बाद आंसर आना चाहिए वो लिख दो इस प्रकार के फॉर्म में ठीक है तो हमारे इस केस में अगर मैं इस वर्ड पूरी इफ़ कंडीशन इफ ईफेल्थ कंडीशन को चेंज करना चाहूँ टर्शरी की फॉर्म में तो वो इस प्रकार हो जाएगी यार कि आंसर इज इक्वल्स टू मेरी कंडीशन क्या है ए ग्रेटर देन बी अच्छा अगर ट्रू हो गई तो आंसर क्या होगा आंसर होगा ए अच्छा नहीं तो फॉल्स में क्या होगा आंसर होगा बी तो इस पूरी स्टेटमेंट को मैंने कन्वर्ट कर लिया इस फॉर्म में आसान लग रहा है बहुत बढ़िया समझाएंगे आपको क्यों कर रहे हैं सब कुछ तो ये आपने इस प्रकार कर लिया अब आप आगे गए आगे का आपको पता लगा कि यार ए को ना मुझे अपडेट करना है इक्वल टू ए प्लस टू और बी को मुझे अपडेट करना है बी इक्वल टू बी इसको थ्री कर लो बी इक्वल टू बी प्लस वन ठीक है तो मुझे क्या समझ में आया यार कि ठीक है अब वैल्यू चेंज हुई है अब मैंने बोला आंसर इक्वल टू तो फिर दोबारा ये कर दिया मैंने मैंने फिर दोबारा कर दिया तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मैंने ये चीज़ ना बार 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 डाल रखी है तो मैं बोल रहा हूँ यार बार बार सेम चीज़ डाल रखी है और ये रीडेबिलिटी वाइज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ मुझे आके दिमाग लगाना पड़ रहा है क्या मतलब है इस बात का फिर मैं यहाँ फिर दोबारा आता तो हूँ यहाँ के दिमाग लगाना पड़ रहा है क्या मतलब है इस बात का तो मेरे को थोड़ा अच्छे वे में कोड लिख के दो जब एक चीज़ बार 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 यूज हो रही होती है तो हम क्या करते हैं फंक्शन बनाए थे हमने क्या बोला हमने क्या बोला एक फंक्शन बना दिया इंट गेट मैक्स इसके अंदर वैल्यू भेज दी इंट ए कम इंट बी और यहां पे मैंने इस चीज को रख दिया बहुत बढ़िया इस प्रकार मैंने इस फंक्शन को यहां बना दिया और मैंने यहां से हटा के इसको लिख दिया मैक्स ए कमा बी सेम इसी प्रकार यहां मैंने रख दिया मैक्स ए कम बी ठीक है अभी कोई नुकसान हो रहा है अभी कोई नुकसान हो रहा है समझते हैं भैया अभी ये नुकसान हो रहा है कि यार ये ए और बी की कॉपी बन रही है और इस मतलब यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हुई है ए और बी के लिए और ये फंक्शन कॉल मार रहा हूँ मैं अब मैं बोलूँ कि यार चलो मेमोरी एलोकेट को आप कैसे बताओगे आपने बोला भैया रेफरेंस वेरिएबल यूज़ कर लूँ मैंने बोला कर लो भाई मैंने बोला कर लो भाई एक बार यहाँ पे इसको रन करके भी देख लेते हैं इसको हमने रन कर लिया ठीक है पहले आपका आंसर आ गया दो दूसरी बार आपका आंसर आ गया क्या चार बहुत बढ़िया ठीक है तो हमने क्या बोला यार ठीक है हमने अब ये रेफ्रिगरेबल का कर यूज करके चलो नई स्टोरेज जो बनी थी वो तो हमने बचा ली बट यार फंक्शन कॉल तो अभी भी जा रही है फंक्शन कॉल तो अभी भी जा रही है तो यहाँ पे आपकी गेम आती है इनलाइन वाली इनलाइन फंक्शन की तो मैं इस फंक्शन को इनलाइन बना सकता हूँ अब मैंने इसको इनलाइन बना दिया अब इसको रन करता हूँ आंसर तो अभी भी सेम है चलो अब आपको समझाता हूँ इनलाइन फंक्शन करता क्या है इसकी एक कंडीशन होती है वो समझाते हैं आपको इनलाइन फंक्शन जो होता है अगर आपका जो फंक्शन की बॉडी है जैसे ये आपका फंक्शन है और ये इसकी बॉडी है है ना अगर आपके फंक्शन की बॉडी अगर आपके फंक्शन की बॉडी एक लाइन की है तो कंपाइलर बोलता है कि यार इनलाइन बना लो अगर आप कंपाइलर को बोलोगे ना इनलाइन यार ये इनलाइन फंक्शन है तो कंपाइलर बोलेगा ठीक है मान गया तो अगर आपका ऐसा कोई फंक्शन है जैसे ये वाला एग्जांपल है कि ऐसा कोई फंक्शन है जिसकी बॉडी सिर्फ सिंगल लाइन की है तो आप उसको इनलाइन अगर लिखोगे या इसको इनलाइन फंक्शन बना दे तो आपका कंपाइलर मान जाएगा अगर दो या तीन लाइन की है तो कंपाइलर जो है ना आपका वो यार मर्जी है उसकी उसका मन करेगा तो मान जाएगा नहीं मन करेगा तो नहीं मानेगा जबरदस्ती नहीं कर सकते हम ठीक है अगर ग्रेटर देन तीन लाइन की फंक्शन बॉडी है तो कंपाइलर बोलेगा भाग जाए यहाँ से <laughs> कंपाइलर नहीं मानेगा भाई कंपाइलर बोलेगा मैं नहीं बनाऊंगा इसको इनलाइन फंक्शन भैया इनलाइन फंक्शन होता क्या है ये तो समझा दो अच्छा दोस्त हमने मैक्रो में क्या समझा वहाँ पाई लिखा हुआ था तो कंपाइल होने से पहले वो पाई रिप्लेस हो था थ्री पॉइंट वन फोर के साथ सेम यह चीज होने वाली है इसका मतलब कि अभी तो कंपाइल नहीं हुआ तो कंपाइल होने से जस्ट पहले जहां भी गेट मैक्स ए कोमा भी लिखा होगा वहां ये चीज अपने आप उठ के आ जाएगी अपने आप उठ के आ जाएगी ऐसे समझ में आ गई चीज ये इनलाइन फंक्शन के लिए होता है तो अगर आपने एक फंक्शन को इनलाइन कर दिया है और वो कंपाइलर मान भी गया कि हाँ इसको इनलाइन बना सकते हो आप तो क्या होगा जहाँ पर भी वो फंक्शन कॉल हो रहा होगा उस को हम रिप्लेस कर देंगे उस फंक्शन की बॉडी के साथ ऐसा फ़ायदा क्या हो रहा है उसको समझते हैं फ़ायदा क्या है हमारा फ़ायदा ये कि हम जब कोड लिखते हैं तो हमें रीडेबिलिटी बड़ी प्यारी मिल रही है हमें रीडेबिलिटी से हमें सब समझ आ रहा है सब समझ आ रहा है बहुत बढ़िया और जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये गेट मैक्स जो है ये गेट मैक्स अपने आप इससे रिप्लेस हो रहा है तो मेरी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी कि नई स्टोरेज नहीं बनानी पड़ रही फंक्शन कॉल भी नहीं माननी पड़ रही समझे इस चीज को फायदा क्या हो रहा है फायदा क्या है आ, फायदा क्या है नो एक्स्ट्रा मेमोरी यूजेज और भाई साहब नो फंक्शन कॉल ओवर ये आपका फायदा है? समझ में आई ये चीज कंडीशन आपके सामने यार ऐसा होगा तो ही होगा भाई कंपाइलर कब मानेगा कब नहीं मानेगा मैंने आपको समझा दिया अब आप बोलो कि मैंने यहाँ पे मान लो कि ऐसा ये मान लो सिर्फ अजमशन चल रही है मैंने मान लो कि यहाँ पे ऐसे बड़ा सा फंक्शन लिख दिया इसको मैंने इनलाइन बना दिया तो क्या ये चीज़ हो पाएगी मैंने आपको बताया ना यार <laughs> जैसे ही आप गर्दन थ्री जाओगे कंपाइलर मानेगा ही आप लिख लो भले इनलाइन लाइन कंपाइलर बोले बनाऊँगा नहीं तो लिखता रहे भाई तो लिखता रहे समझ गए इस चीज़ को तो ये चीज़ मुझे आपके दिमाग में डालनी थी और आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से ठीक है तो ये थी इनलाइन फंक्शन की कहानी जहाँ पे आप फंश जहाँ के आपका फंक्शन कॉल रिप्लेस हो जाता है फंक्शन की बॉडी के साथ रूल्स आपके सामने मैंने रख कि यार ये रूल्स हैं और इनके आधार पर हर चीज होने वाली है ठीक है ठीक अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स अगले टॉपिक पर टॉपिक चल... पर चलते हैं जो कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट तो अब यहां पे हम बात करने हैं वाले डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में बहुत प्यारी और बहुत ही सिंपल सी चीज है ठीक है अब मैं प्रैक्टिकल अगर बोलू तो मैंने कभी जिंदगी में यूज नहीं करी बट uh, ठीक है थोड़ी नॉलेज हमें होनी चाहिए मैंने कभी यूज़ नहीं करी मैंने किसी कोड में आज तक रखी नहीं है बट हाँ रख आइडिया होना चाहिए कि चीज़ क्या है ठीक है चलो इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार हमने क्या बोला हमने ये बोला कि यार मेरे पास ना एक फंक्शन है मेरे पास एक फंक्शन है और मैं क्या कहता हूँ uh, मेरे पास मान लो एक एरे पड़ा हुआ है वन टू फाइव सेवन नाइन ऐसा समझ में आई ये चीज़ तो चलो आपको लिख के दिखाते हैं मेरे पास एक एरे ए पड़ा हुआ है इंट एर इसे मैंने डाल दिया वन स्पेस फोर स्पेस एट स्पेस नाइन ऐसा ये आर ए मेरे पास पड़ा हुआ है मैंने एक फंक्शन बनाया प्रिंट नामक ये प्रिंट करता है ठीक है इसको मैंने ये दे रखा है इसको मैंने आर का साइज दे रखा है और इसको मैंने स्टार्ट दे रखा है एक यार कहाँ से प्रिंट करना शुरू करना है समझ तो में आई ये चीज इसको मैंने स्टार्ट दे रखा है कि यार कहाँ से प्रिंट करना है शुरू करना है ठीक है अब मैंने क्या किया होगा मैंने फोर इंट आई इज इक्वल टू स्टार्ट यहाँ से शुरू किया आई लेस देन एन आई प्लस प्लस सी आउट ऐसा कुछ कुछ कर दिया मैंने ऐसे प्रिंट कर दिया भाई क्या दिक्कत आ रही है भैया बताओ क्या गलती है बताओ फटाफट कहाँ गलती कर रहे हैं हम बताओ जल्दी ढूंढो जल्दी जल गलती कहाँ पे है पता नहीं कहाँ गलती कर दी हमने यार समझ नहीं आ रहा अच्छा यहाँ पे गलती कर दी है एरे है ना ये लो चलो हमने एक ऐसा फंक्शन बना दिया जो कि एक एरे को प्रिंट करेगा ठीक है कहाँ से ये जो स्टार्ट मैंने दिया यहाँ से लेके आगे तक अगर मैंने स्टार्ट बोला यहाँ से है यह ये स्टार्ट है तो भैया यहाँ से यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा अगर मैंने बोला ये स्टार्ट है तो भैया यहाँ से यहाँ तक प्रिंट हो जाएगा इस प्रकार की गेम हम खेलने वाले हैं तो मैंने क्या बोला फंक्शन कॉल मारी प्रिंट ए आर आर कॉमा फाइव कॉमा साइज फाइव है ना लिख देता हूँ आपको यहाँ आप पर आकर समझ में आ जाए और यहाँ मैंने बोला स्टार्ट कहाँ से करो ज़ीरो से स्टार्ट करो चला के मैंने चलाया और ये वन फोर सेवन एट नाइन वन फोर सेवन एट नाइन प्रिंट हो गया ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है।, है बहुत बढ़िया क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मैं बोलूँ यार ये थर्ड आर्ग्यूमेंट मुझे नहीं पता मुझे नहीं पता क्या ये बट तू देख ले मतलब जब मैं तेरे को नहीं बताऊँगा ना तब तू हमेशा पूरा एरे प्रिंट कर दियो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा सिग्नेचर है ना ये वाला प्रिंट का जहाँ पे यहाँ मैं एरे पास कर रहा हूँ यहाँ मैं साइज़ पास कर रहा हूँ यहाँ मैं स्टार्ट पास कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि मैं इस आर्ग्यूमेंट को ऑप्शनल बनाना चाहता हूँ मैं इस आर्ग्यूमेंट को ऑप्शनल बनाना चाहता हूँ कि अगर कोई पास कर देगा तो उस हिसाब से प्रिंट कर दियो अगर वो तो पास नहीं करता तो पूरा एरे प्रिंट कर दियो समझ में भाई मैंने क्या बोला इफ स्टार्ट आ गया मतलब हमें मिला इनपुट में एज अ पैरामीटर तो भाई उस हिसाब से प्रिंट कर दे नहीं आया एल्स मतलब नहीं आया अच्छी सी राइटिंग करनी पड़ेगी एल्स मतलब नहीं आया मतलब कि इनपुट में किसी ने नहीं दिया तो ऐसा कर पूरा एरे प्रिंट कर दे तो मैं क्या चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूँ वेरिएबल है ना यार ये जो यहाँ पे आर्गूमेंट है इसको ऑप्शनल बना दिया जाए तो हम किस प्रकार करते हैं हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट जो हम बात कर रहे थे तो हमने क्या बोला अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इन स्टार्ट इजकल टू जीरो तो भैया स्टार्ट को मैंने डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट बना दिया एक तरीके का कि अगर किसी ने स्टार्ट यहाँ पास नहीं करा ना तो, तो उसको जीरो मान लियो अब मान लो प्रिंट को मैंने सिर्फ एरे दिया ये वाला आर्ग्यूमेंट और साइज दिया ये वाला आर्ग्यूमेंट और स्टार्ट मैंने दिया ही नहीं देखो एरर भी नहीं आ रहा अब तो अब मैंने रन कर दिया तो जब मैं इसको नहीं देता हूँ ये स्टार्ट की वैल्यू तब भी चल जाता ढंग से अब मान लो मेरा मन कर रहा है कि मैं ना स्टार्ट की वैल्यू देना चाहता हूँ इंट एयर आर कॉमा साइज कॉमा स्टार्ट में दे दे दो आंसर आना चाहिए आपका सात आठ नौ रन कर दिया सात आठ नौ आपका आंसर आ गया बढ़िया थोड़ा साफ़ सुथरा आपके लिए लिख देते हैं इसको बीच में एंडल मार के रन करा देते हैं क्लियर करा के सात आठ नौ ठीक है तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट में क्या हुआ आपने इस प्रकार की आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर दी जिसमें आपने बोला कि ये आर्ग्यूमेंट ऑप्शनल है अगर कोई इसकी वैल्यू दे, दे देगा तो वो यूज़ कर लूंगा अगर नहीं देगा तो जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है वो यूज़ कर लूंगा इसको चाहे वन ले लो जीरो ले लो जो आपका मन करे वो ले लो दोबारा समझते हैं डिफॉल्ट आर्गूमेंट में आप ऐसे फंक्शन के सिग्नेचर में जाते हो वहाँ पर जाके ऐसे इक्वल टू करके वैल्यू डाल देते हो आपने उस आर्ग्यूमेंट को ऑप्शनल बना दिया है अगर मुझे यहाँ पे इनपुट में उसकी वैल्यू मिल गई तो मैं वो वाली इनपुट वाली वैल्यू यूज़ कर लूँगा अगर नहीं मिली जैसे इस केस में नहीं मिली थी लाइन नंबर सेवनटीन में तो भैया जो यहाँ पे इजगल्ट टू में लिखी है वो चीज़ मैं लेके डिफॉल्ट लेके प्रोसेसिंग यहाँ पे जो भी करनी है मैं कर दूंगा ये थे आपके डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट ठीक है एक कंडीशन का ध्यान रखें एक कंडीशन का ध्यान रखें कंडीशन ये है कि आपकी जो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाली गेम है ना यार डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाली जो गेम है वो हमेशा राइट मोस्ट राइट मोस्ट पैरामीटर से शुरू होगी पैरामीटर बोल लो या आर्ग्यूमेंट बोल लो एक ही चीज़ होती है इसका मतलब ऐसा कभी भी नहीं होने वाला कि मैं यहां पर जाके पहले इसको डिफॉल्ट बना दूं और मैंने ये वाला डिफॉल्ट नहीं बनाया ऐसा नहीं हो सकता कभी ये अलाउड ही नहीं है भाई करके देखोगे कर देखो तो फंस जाओगे देखो ट्राई कर लो तो लो रन कर लिया ठीक है आ गया है ना तो अब क्या हुआ ये गलत चीज़ है ऐसे नहीं करना हमें हमें हमेशा राइट मोस्ट से स्टार्ट करना है तो हमें पहले ये करना पड़ेगा ये वाला पार्ट कर लिया ठीक है अब आप चाहो आपके मन में है कि यार चलो मैं एन को भी करना चाहता हूं तो ये भी कर लो आपकी मर्जी है समझ में आई ये चीज है ना तो राइट मोस्ट से स्टार्ट करते जाओ मान लो यहां पे एक और वेरिएबल होता एंट एंड करके उसको आपने जीरो कर लिया तो गेम इस प्रकार चलती पहले क्या करना है? सबसे पहले अगर आपका मन करना, करना है इसको डिफॉल्ट करने का तो भैया पहले आपको राइट right मोस्ट करना पड़ेगा अगर आपने ये वाला कर रखा है तभी आप स्टार्ट कर पाओगे ठीक है स्टार्ट वाले वाले स्टार्ट वाले को डिफॉल्ट बना पाओगे अगर आपने ये दोनों कर रखे हैं तभी आप एने वाले को डिफॉल्ट बना पाओगे हमेशा ऐसे राइट टू लेफ्ट वाली गेम चलने वाली डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाले केस के अंदर समझ मैं में आई ये चीज हमें आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ चुकी होगी ये वाली गेम ठीक है ठीक है तो ये वाली गेम है अगर आप चाहो तो आप सारे के सारे पैरामीटर को भी डिफॉल्ट बना सकते हो ठीक है नॉर्मल है तो ये चीज हमें समझ में आ चुकी है और आप अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो आपको इस चीज का अच्छा खासा ज्ञान हो गया हाँ ठीक है ऐसी कोई कोई चीज हमारे सामने पड़ी हुई है ठीक है आगे जब हम और आपको इन बिल्ट या प्री डिफाइंड फंक्शन दिखाएंगे तो वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप समझोगे अच्छा यहां पर यूज हो रहा है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ठीक है तो वो चीजें हम देखेंगे और आपको यह समझ में अच्छे से आ जाएंगी ठीक है हिंदी में अगर मुझे इसको समझाना हो तो हम इसको बोलेंगे देना है तो दे दे हम क्या बोलेंगे

एक ऐसी चीज़ बनाती है जिससे आपका कोड फास्ट हो जाता है बेटर हो जाता है और पढ़ सामने वाला बंदा देखता है अच्छा पढ़ा लिखा आदमी बैठा है सामने ऐसा रैंडम सा कोड नहीं लिख रहा ठीक है तो इन पर ध्यान दें थोड़ा प्रैक्टिस करें थोड़ा और डेप्थ में जाएँ और आपको चीज़ें तो आनी समझ समझ में आनी और शुरू हो जाएंगी ठीक है तो मज़ा आ गया कमेंट सेक्शन में बताएं लेक्चर छोटा ही है और बताएं कैसा लगा आपको और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में एक चीज़ आपको देता हूं मैं आगे बढ़ने से पहले ध्यान रहे होमवर्क की बात हम कर रहे हैं तो अगला लेक्चर हमारा कॉन्स्टेंट वेरिएबल के ऊपर शायद हो सकता है मेरा मन करा तो मैं पढ़ा दूंगा नहीं तो आपको ये होमवर्क में निपटाना है निपटाना है पढ़ के आओ मेरे हिसाब से पढ़ा ही दूंगा बट आप फिर भी एक बार इसको पहले से पढ़ के आओ कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स को ठीक है और साथ ही साथ अगर तो आपको डॉक्यूमेंटेशन रेफरेंस की नीड है तो भैया यहाँ पे ना जी एफ जी का तो मैं आर्टिकल लिंक कर दूंगा नीचे डायनामिक मेमोरी लोकेशन हम पढ़ चुके हैं मैक्रोज एंड ग्लोबल वेरिएबल ये आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए कोड स्टूडियो के ऊपर खोलो पढ़ो इस चीज़ को थ्री पॉइंट वन फॉर एग्जाम्पल यहीं से उठाया हमने ठीक है और यहाँ से पढ़ेंगे आप और यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा इन लाइन और डिफॉल्ट आर्क्यूमेंट ही पड़ा हुआ है यहाँ पे ठीक है इसको भी हम देखेंगे और पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ है पूरा डिसएडवांटेज एडवांटेज सब यहाँ पे लिखा हुआ है और आपको चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी यार ठीक है ठीक है कॉन्टेंट वेरिएबल भी यहाँ पड़ा हुआ है ये लिखा हुआ है इसको भी आप पढ़ें कोर्स स्टूडियो से और देखते हैं अगर मुझे लगा कि एक वीडियो का नीड है इसके ऊपर तो मैं बना देता हूँ नहीं तो अपन रिकर्शन स्टार्ट करेंगे ठीक है तो ये देखना क्वेश्चन पर रेफरेंस पड़ा हुआ इसको पढ़ना यार दस पांच मिनट लगाना जितनी क्लैरिटी मिले उतनी क्लैरिटी लेना वीडियो में तो हमने समझ लिया फिर भी थोड़ा और और ज्यादा नॉलेज के लिए हम यहाँ पर जाएंगे और इसको पढ़ेंगे डन है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय कमेंट सेक्शन में बता के जाना आपको वीडियो कैसी लग रही है मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा ताकि हम अगली को और इंप्रूव कर पाए लेक्चर नंबर थर्टी था ये मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय